आज हम पढ़ेंगे इकाई 12 गति। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। लिखते हैं, का लिखा हुआ निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। मेज है, टीवी है, उड़ता पक्षी है, अलमारी। गतिशील कौन मतलब जो गति में कर रहा हो। मेज तो रखी रहती है, टीवी रखी रहती है, अलमारी रखी रहती है, क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है। यही हमारा टिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में पढ़ रहे हैं गति के बारे में, तो गति के बारे में लगाइए। लिखा है, खा किसी गति एक ही गति नहीं है, पंखा, दौड़ता धावक, चलती कार और हमारा उड़ता वायुयान क्या नहीं है, रेखीय गति। रेखीय गति मतलब जो सीधी रास्ता में चलता हो, तो क्या है, पंखा। ठीक, अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ कि घड़ी के पंडलम की गति उदाहरण है सरल रेखीय गति, दोलन गति, गुणन गति या बत्ती गति। कौन सी है, दोलन गति। फिर लिखा हुआ है कि चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर मिनट, मीटर सेकंड और मीटर सेकंड। तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि स्तंभ का के कथनों का स्तंभ खा के कथनों में मिलान कीजिए। स्तंभ का और खा क्या है, चलो देख लेते हैं। कार की जो गति होगी, कार की गति है वो किससे मिलान करेगी, कार की गति क्या करेगी, सरल रेखीय गति में। फिर कह रहे पंखे के ब्लेड की गति है, पंखे की जो ब्लेड गति होगी वो कैसे होगी, वृत्तीय गति होगी, वृत्त में ही घूमता है वो। झूले की जो गति होगी, क्या कह रहा है, झूले की जो गति होगी, ठीक है, तो देखो झूले की जो गति होगी वो क्या होगी, दोलन गति होगी। और हमारे क्या जो लट्टू होता है, लट्टू की गति कैसी होगी, लट्टू की गति ऐसी होगी वो हमारी घूर्णन गति, वो घूमेगा ही, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर के सामने सही का गलत का कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घूर्णन मतलब गोल घूमता है, एक ही जगह पर घूमता है। किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति होती है, ये भी गलत बात है। गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के भ्रम और गति अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए लिख लेते हैं, उत्तर डालो यहाँ पे, लिखो यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु क्या रहती है, भ्रम अवस्था में, वस्तु भ्रम अवस्था में होती है, ठीक। और क्या है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु कैसी होगी, गतिशील अवस्था में होती है, अवस्था में होती है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। चलिए लिखा हुआ है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कोई कार्य चित्रानुसार बिंदु ए बी सी होते हुए डी पर 2 घंटे में पहुंचती है, तो कार द्वारा चलेगी दूरी विस्थापन चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। हमें दोनों ज्ञात करने, दूरी हमें निकालनी है पहले, हम क्या करेंगे इसको देखेंगे, सवाल को लिखा पहले हमें करना, पहले दूरी निकालने में कितनी चली दूरी, दूरी चल रही कितनी चल रही, ये देखो दूरी हमें कितनी चल रही, दूरी चल रही ए से बी तक कितनी चल रही, 2 चल रही है। फिर बी से सी तक कितनी चल रही है, 4 चल रही है। फिर सी से डी तक कितनी चल रही है, 5 चल रही है। फिर डी से ए तक कितनी चल रही है, फिर 5 चल रही है। जोड़ो उनको, 4 2 6 5 11 5 16, ठीक। विस्थापन वाला सूत्र लगाओ, विस्थापन पूछा है तो विस्थापन बराबर क्या होता है, ए से डी
डी की दूरी विस्थापन। ठीक, तो विस्थापन जो दूरी होगी वो कितनी होगी, विस्थापन दूरी होगी कितनी होगी, कितनी दी है, 5 दी। फिर चाल बराबर क्या होगा, चाल का होता वेग, तो क्या दिया हमारे पास, चाल, चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल हमारे पास क्या है, चाल बराबर वेग बराबर कुछ वेग ज्ञात करना है, वेग भी। ठीक, तो यहाँ क्या देखिए 16 मीटर चला हुआ है और बटे 2 तो उसकी दूरी है, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर कितना हो जाएगा 8, काट देंगे 2 8 16, 2 मीटर हो जाएगी। अब कह रहा वेग बी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, ये दूरी है, दूरी बटे समय होता है, तो क्या हो जाएगा 5/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.5 वेग भी आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेते हैं। चलिए कोई डाउट होगा पूछ लेना, डाउट जरूर आना चाहिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा सेकंड में क्या होगी। चलिए देख लेते इसको, तो दूरी हमारे पास कितनी है 360 किलोमीटर और समय हमारे पास क्या दिया गया 6 घंटा दिया गया। ठीक है, तो चाल बराबर हमें मालूम ही है क्या होती है, दूरी बटे समय, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हम जानते हैं कह रहा है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में तथा मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। ठीक, तो हमें क्या कह रहा है 360 किलोमीटर बराबर क्या होगा 360 × 1000 मीटर। ठीक, तो 1 घंटा बराबर क्या होता है 3600 सेकंड, सीधी बात है। ठीक, अब हम क्या करें 6 घंटा पूछ रहा है, तो 6 घंटा बराबर क्या होगा 6×3600 सेकंड, और चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय बटे 6×3600, काट पीट लो 6×36 60। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, अब देखो यहाँ क्या 6×6 6×36। ठीक, यहाँ पे कितना बचा ये 100/6, और इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6×6 = 4 6×36 मीटर प्रति सेकंड। यही हमसे पूछ रहा था, कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में क्या होगी, तो मीटर पर सेकंड में भी निकाल दी और चाल किलोमीटर पर घंटे में भी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापन हो जाएगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं, तो वेग बराबर हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय क्या दिया गया हमारे पास 5 सेकंड, तो समय बराबर क्या हो गया 5 सेकंड। अब वेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापित दूरी बटे समय। ठीक, तो हम क्या करें विस्थापित दूरी बराबर क्या होता है वेग गुणे समय। ठीक, तो क्या हो जाएगा वेग कितना है 10, ये कितना है समय 5, तो क्या होगा 50 मीटर। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, कोई डाउट हो उसको पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो हम जान लेते हैं चाल बराबर जानते हैं क्या होता है दूरी बटे समय, एक ही सिंपल सा सूत्र लगना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, उल्टा कर दो तो हमारे पास क्या है 120 कितना दिया है यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 120 मीटर, तो यहाँ लिख दो 120 मीटर, अब संग में क्या दिया है चाल दिया है, कितना दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको काट देंगे
जीरो जीरो दो छक्के 12 मतलब 6 सेकंड समय निकल आया। इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है दी गई सारणी से समय दूरी ग्राफ को खींचिए। चलो खींच ले। कह रहे दूरी दिया गया और हमारे पास समय दिया गया, तो हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, ठीक, इसको खींच लो। तो यहाँ पे क्या करें, यह तो 0 0 हो जाएगा। वहां पर ये दिया गया है, यहाँ पे कहाँ तक दिया है, 18 तक दिया है, और ये दूरी कितनी दी है, 12 तक दी है। तो पहले इसको बना लें, समय बना लें। समय का ग्राफ कहाँ होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पे बना लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। समय का ग्राफ नीचे होता है, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, दूरी का ग्राफ। तो यहाँ लिख लो दूरी, और ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बना लो, ये कहाँ तक दिया गया सर, अंक 18 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और ये 16 17 और ये 18 हो जाएगी, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि पहले ग्राफ बना 0 0 पे, तो 0 0 तो ये है ही हमारा, इसमें कुछ कहने वाली बात तो है नहीं। पर हमें क्या बनाना है, 3 2 का, तो ये हमारी 3 जाएगी और ये 2 हो जाएगा, ठीक, 3 और 2। फिर कह रहा है कि 6 और 4, तो 6 ये रहा, यहाँ से बनाएंगे ये, और 4 ये यहाँ से मिला देंगे, ठीक, ये 6 और 4 का हो गया। फिर कह रहा है 9 और 6 का, तो देखो ये 9 बन के आएगा यहाँ से और ये 6 जाएगा। ठीक, ये 9 और 6 का हो गया। फिर कितने का जाएगा, 12 का जाएगा। तो 12 का देख लो, यहाँ पे 12 और कितना जाएगा, 8 का जाएगा। तो यहाँ पे 12 8 का हो गया। फिर कह रहा है 15 का, तो 15 का ये यहाँ पर आ, ठीक है, 15 का यहाँ से ले जाओ। और कहाँ तक जाएगा, 15 का 10 तक जाएगा, तो 10 को खींच ले जाओ, ठीक। फिर कह रहा है 18 का, तो 18 का खींच ले जाओ। कहाँ तक तो जाएगा, ये 12 तक जाएगा, ठीक। इस तरह से बन गया, इसको सीधे से मिला दो इसको। बस ग्राफ बन गया, यही बनाना था मुझे, सिंपल सा ग्राफ था। इसको खींचना जो दिया गया उसी को खींचना था। इस तरह से क्या हो गया, ये ग्राफ बन गया। कोई डाउट हो उस ग्राफ को पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो निम्नलिखित को मीटर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। 1 किलो घंटा है, तो लिखो यहाँ पे 5 मील बराबर क्या दे रहा है, 8 किलोमीटर, ठीक। ये पहले सवाल से, ठीक। अब हम जानते हैं 1 मील निकालना है, तो 1 मील बराबर क्या हो जाएगा, 8/5 किलोमीटर। अब इसको हमें क्या करना है, पहला सवाल कह रहा है कि 1 किलोमीटर पर घंटा में बदलिए, तो लिखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर प्रति 3600 क्या हो गए, सेकंड हो गए। 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा, 10/36 हो गए। अब इसको 36 का इसमें भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 5 10, 2 1 2 2 8 16। अब देखो 18 2 36, तो 0 पॉइंट लगेगा, 18 2 36 कितने बचे, यहाँ पे बचे 36 और 14, तो 1 4 लगे। फिर इसको भाग देंगे, फिर 7 जाएगा, फिर 7 जाएगा, पर ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। भाग देना सीखो इसको, इसको इसमें भाग देना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अगर मील प्रति घंटा दिए गए हो, तो समय की ग्राफ बनाइए। चलो अब मील में कर लो इसको। सेकंड सवाल क्या कह रहा है हमसे, 1 मील प्रति घंटा बराबर दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 5। तो देखो 8 × 1000 / 5 × 36 के समय दिया जाए,
इसको काट पीट लेंगे, तो देखो काटना है तो 2 जीरो से 2 जीरो उठ गए, 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, अब 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, 8 दूनी 16 कर लो इसको, बटे 36। अब इसका भाग करेंगे तो 4 चौके 16 4 9 36, तो क्या हो गया 4/9 आ गया। और इसका भाग दे देंगे तो क्या आएगा 0.44 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, कोई डाउट हो इसको पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि जो ग्राफ दिया गया, ये वाला ग्राफ दिया गया, ठीक, इस ग्राफ को देखे हमें आंसर देने। कह रहा है कि 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक दूरी बिंदु से दूरी क्या होगी। अब देखो 3 सेकंड बाद, देखो 3 सेकंड बाद समय होगी, 3 सेकंड के बाद प्रारंभिक दूरी कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे तो 3 सेकंड बाद क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो 3 सेकंड के बाद यहाँ पे ग्राफ को देखो, यहाँ पे समय क्या हो गया, यहाँ पे 7। देखो 3 सेकंड बाद फिर क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रारंभिक दूरी क्या होगी, यहाँ पे देखो यहाँ से जा रहा है 7, दूरी कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से देख लेना है, इसको ग्राफ को बना लेना है। और सेकंड को कब से कब तक है विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में देखो यहाँ से यहाँ तक की विराम अवस्था में कोई इसमें गति नहीं हो रही है, कब तक हो रही है, पी से क्यू तक। अब इसमें देखो समय क्या दे रहा है, सेकंड में दे रहा है, तो लिखो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो समय बराबर 7 सेकंड, और जो दूरी होगी वो क्या होगी, 8 मीटर होगी। तो ठीक, ये हमारा केस ग्राफ से आ गया। चलिए इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 सेकंड द्वारा वस्तु को चली गई दूरी, फिर इसको ग्राफ को देखना है, तो इसमें क्या कह रहा है, तो देखो समय हमारे पास क्या दे रहा है, 7 सेकंड, और दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर 14 मीटर, किससे, ग्राफ के द्वारा। देखो कोई डाउट हो वो जरूर पूछे हमसे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो गया, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर मेरे वीडियो को आपको लाइक और पसंद आ रहे हो वीडियो को, ये हमारा चैप्टर क्या होगा, दी एंड हो गया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।